तो अब बात करते हैं लोकेश गेमर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकेश गेमर बैचेस के मामले पर दूसरे नंबर पर आ चुके थे, तब अब वो उन्होंने बैचेस और ज़्यादा खरीद के वो पहले नंबर पर आ चुके हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो 10 तारीख तक कम से कम वो 1 या 2 या 3 या 4 मिलियन डायमंड खरीदने वाले हैं, और इसके बाद वो अगर किसी ने उनको बीट करा तो वो उनको बीट करके सबसे ऊपर चले जाएंगे, ये भी कहा है। आइए आपको भी एक क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल टॉप 2 पे हूँ अभी, मेरे पास है 300K डायमंड एंड ये तो बहुत कम डायमंड है गाइस, अभी आने वाले बहुत डायमंड है 10 के बाद मेरी आईडी में, तो उसके लिए वेट करना, तो अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। तो आज हम लोग फिर से बैचेस लेने वाले टॉप 1 के लिए, और टॉप 1 पे दिखा दूँ आपको कौन है। और 300K बैचेस तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी कितने बैचेस कितने डायमंड आने वाले आप लोग देखो मेरे आईडी में, बैचेस बाई करेंगे तो हम लोग बैचेस बाई करेंगे 99999 फ्रीकिंग 99999999 ओनली नाइन नंबर्स। और अभी मेरे पास हो चुके हैं 37,000 बैचेस बेबी, तो अभी मेरे पास हो चुके हैं 37,000 बैचेस एंड हम लोग अभी फिर से ले लेते हैं 2,000 और बैचेस एंड लेट्स गो। मेरे पास है गाइस अभी 39,000 बैचेस और मेरे पास 8,000 डायमंड है, लेकिन 10 तारीख तक ये 8,000 डायमंड शायद 2 मिलियन 3 मिलियन या 4 मिलियन में बदल जाए, उसका कोई आइडिया नहीं है। तो अगर फिर से कोई मुझे पीछे छोड़ेगा तो इंतजार करना 10 तक। अभी देखते हैं टॉप 1 पे कौन है। ओ माय गॉड गाइस, टॉप 1 पे 39,000 बैचेस, मतलब गाइस अब बात करते हैं समीर मार्क और एल्विस यादव के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी क्या चल रही है कि एल्विस यादव ने रोस्ट करा था समीर मार्क पर, वो ऑफेंड हो गए थे और वो एक वीडियो लाने वाले थे, वो वीडियो अभी तक नहीं आई, उसी को रिएक्ट करते हुए एल्विस यादव ने भी रिएक्ट कराया। तो आप भी देख लो उन्होंने क्या रिएक्ट करा। जो हमारे मिस्टर क्लाउड चेसर हैं उसका सरप्राइज तो आ नहीं रहा यार, पर मेरा सरप्राइज आ रहा थोड़ी सी देर में, भाई आपको सरप्राइज मिल जाएगा ठीक है। भाई तुम लोगों को पता है हमारे समीर भैया की वीडियो क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि भाई ने आदत पड़ रही है 15-15 सेकंड की वीडियो बनाने की, तो बड़ी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा भाई, जल्दी निकालो यार। अब बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है टोटल गेमिंग फ्री फायर के सबसे बड़े क्रिएटर हैं, तो अभी तक उनका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड नहीं हुआ है, ऐसा क्यों तो उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया, तो आप भी देखें उन्होंने क्या बताया। अजू भाई वेरीफाइड टिक मार्क कब मिलेगा, जब पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे उससे पहले पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को, बट गाइस स्टिल मैं ट्राई करेगा, स्टिल मैं ट्राई करेगा, डोंट वरी, तुम्हारा भाई ट्राई करेगा। इंस्टाग्राम पे तो ले लो जो है वो कर दो साला, ये तो ये हो गया ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले मेरे को ऐसा बोले कि यार तुम पहले हमारे साथ साइन करो, तुम कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं यूज करोगे, उसके बाद ही हम तो मेरे को वेरिफिकेशन टेक मार दे, ये बात हो गई यार। यार तुम दोनों का इंस्टा वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। कॉन्टैक्ट बड़े होने चाहिए, पीएस रिवील का कुछ नहीं होता, अभी तो भाई के कॉन्टैक्ट बड़े नहीं है, बड़े बड़े हैं अभी तो भाई के, ये से नहीं, जिसके साथ इनके हमारे कॉन्टैक्ट हो उनके कॉन्टैक्ट बड़े होने। अच्छा भाई सब पेड़ है भाई, वैसे मेरे बड़े कॉन्टैक्ट पैसे होना तो हो जाता है, अमित भाई का भी बड़ा है कांटेक्ट, काफी सारे लोगों का ऐसे ही हुआ होगा, विदाउट पैसे भी होता है, बट कुछ चीजें ऐसी भी है कि पेड़ में भी होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत और सबसे पहले देखने को मिले आपको। अब बात करते हैं अमित भाई के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है जब अमित भाई माइनक्राफ्ट वगैरह खेलते तो उनके पीसी काफ़ी ज़्यादा हैंग करने लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पैम होने लगा था कि चेंज योर पीसी, अपना पीसी कब चेंज करोगे, तो अमित भाई ने भी रिएक्ट कराया, तो आप भी देखिए। विल यू अपग्रेड योर पीसी, अरे यार ब्रो तू पत्थर में दिल पे मतलब दिल दुखने की बात मत करना, पैसे नहीं है अभी, पीसी अपग्रेड करने में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा होता है, एक एक चीज़ और 1,00,000 रुपये से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं पहाड़ी गेमिंग के बारे में। तो पहाड़ी गेमिंग जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वो उनकी लाइव स्ट्रीम मात्र 35 मिनट में ही बंद हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्पैम करने लगा था कि जस्टिस फॉर नेपाल, तो इसका काफ़ी ज़्यादा स्पैम हो रहा था उनके कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ उन्होंने 35 मिनट में अपनी स्ट्रीम बंद कर दी और स्टोरी लगाई। आइए देखते हैं उनकी स्टोरी। लगता है ना कि दूसरों की स्ट्रीमों पर स्पैम करने से जस्टिस इन्हें जस्टिस मिल जाएगा, भाई जस्टिस किस चीज़ का भाई, कोई मर गया क्या है, या किसी का मर्डर हो गया, या किसी को भाई किस चीज़ का जस्टिस चाहिए भाई, टूर्नामेंट ही तो है, सेम अपॉर्चुनिटी जो टूर्नामेंट तुम्हारे लिए हो रहे हैं वही टूर्नामेंट हमारे लिए हो रहे हैं ना, और तुम बांग्लादेश से अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई, बांग्लादेश कितना बड़ा है यार, नेपाल कितना बड़ा है यार, देखो तो यार, यार तुम लिटरली भाई एटलीस्ट चलो तुम कर रहे हो तो देखो क्यों बोल रहे हो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं प्लेयर हूँ, एक स्पोर्ट ओनली प्लेयर हूँ मैं यार, मैं कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, या कोई मेरी कंपनी नहीं है जो ऑर्गेनाइज कराती है टूर्नामेंट, भाई
जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, पहले उतना कर लो, देन बाद में जब भी होगा खुद आना होगा, टूर्नामेंट आ जाएगा। अभी जस्ट फ्री फायर ई स्पोर्ट की स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है।